हेलो दोस्तों, फाइनली टाटा कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन टाटा हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट को इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। और रिसेंटली इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट को स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान इंडियन रोड्स पर, और यह दोनों ही फेसलिफ्ट हमें फिलहाल तो फुल्ली कैमोफ्लेज में ही देखने को मिल रही है। वैसे टाटा कंपनी ने इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट में ढेर सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किया है, और उसके साथ ही काफी सारे न्यू फीचर्स भी ऑफर किया है जो कि हमें इसके करेंट मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। टाटा कंपनी ने इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट में ढेर सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किया ही है, और उसके साथ ही इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट में हमें न्यू फीचर्स भी ऑफर किया गया है, और उसके साथ ही कंपनी ने इनकी लुकिंग और डिजाइन को भी थोड़ा मॉडिफाइड किया है। तो इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और सभी डिटेल्स फुली रिवील हो चुकी है जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट की लुकिंग और डिजाइन को। तो डेफिनेटली टाटा कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन टाटा हैरियर और सफारी इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट में ढेर सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किया है, और एक स्पोर्टियर वाइब देने की भी कोशिश की है, क्योंकि टाटा कंपनी ने इन दोनों ही फेसलिफ्ट के बॉडी पैनल्स और खास करके फ्रंट सेक्शन में स्पोर्टियर एलिमेंट्स का यूज किया है। इन अपकमिंग फेसलिफ्ट के फ्रंट सेक्शन में हमें ट्रायंगुलर शेप में हेडलैम्प ऑफर किया जाएगा, और हमें फॉग लैम्प भी देखने को मिलेगा सेम करेंट मॉडल के जैसे। पर शायद टाटा कंपनी इसमें हमें टॉप माउंटेड फुल विड्थ एलईडी स्ट्रिप ऑफर कर सकती है डीआरएल के रूप में, और उसके साथ ही इसमें हमें न्यू डिजाइन फ्रंट ग्रिल्स भी ऑफर किया जाएगा, और फ्रंट ग्रिल्स के सेंटर में हमें टाटा कंपनी का लोगो देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद इसके साइड सेक्शन की बात करें तो इसकी साइड प्रोफाइल एस यूजुअल हमें लार्ज शेप में ही देखने को मिलने वाली है, और आउटर रियर व्यू मिरर्स भी ऑफर किया जाएगा जो कि हमें बॉडी कलर में ही देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ ही कंपनी इसमें हमें न्यू डिजाइन में अलॉय व्हील्स भी ऑफर करने वाली है। और इसके रियर सेक्शन को देखें तो रियर सेक्शन में हमें टेल लाइट ऑफर की जाएगी, और इंटरकनेक्टिंग एलईडी लाइट बार भी ऑफर करने वाली है जो कि हमें रियर सेक्शन से भी एक स्पोर्टियर वाइब प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट का जो लुक और डिजाइन निकल के आने वाला है सच में काफी बेहतरीन होने वाला है, और लोगों को पसंद भी आने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इस अपकमिंग फेसलिफ्ट के इंटीरियर और फीचर्स की। तो डेफिनेटली टाटा कंपनी ने इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट के इंटीरियर और फीचर्स दोनों को मॉडिफाइड किया है, और इंटीरियर में हमें प्रीमियम वाइब देने की भी कोशिश की गई है। तो डेफिनेटली इंटीरियर हमें अच्छा खासा ही मिलने वाला है, और उसके साथ ही टाटा कंपनी इसमें हमें ढेर सारे न्यू फीचर्स भी ऑफर करने वाली है। न्यू फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें लार्ज साइज में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाएगा जो कि आता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ में। और इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफर करने वाली है टाटा कंपनी जो कि है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि हमें इसके करेंट मॉडल में ऑफर नहीं किया गया है। और इस एडवांस सिस्टम के थ्रू इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट में हमें सभी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ ही इसमें हमें न्यू TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाएगा, और इसमें हमें 200 से ज़्यादा वॉइस कमांड के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आते हैं 6 डिफरेंट लैंग्वेज में। और इसके अलावा इसमें हमें सभी बेसिक फीचर्स भी ऑफर किया जाएगा जैसे कि 3-स्पोक्ड स्टेयरिंग व्हील, जिसमें हमें ऑडियो कंट्रोल्स के भी फीचर्स और मल्टी फंक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही न्यू डिजाइन डैशबोर्ड, न्यू डिजाइन कैबिन और सभी सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बाद फाइनली हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। रिसेंटली अभी इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस फुली कंफर्म नहीं हुआ है, पर जहां तक उम्मीद तो यही की जा रही है कि टाटा कंपनी इसमें हमें न्यू 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन यूनिट ऑफर कर सकती है, और डेफिनेटली यह एक पावरफुल इंजन यूनिट है जो कि हमें जनरेट करके देगा 170 पीएस का पावर और 280 न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क। और ये जो इंजन यूनिट है वो हमें ऑफर किया जाएगा मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में, तो डेफिनेटली पावर और परफॉर्मेंस दोनों ही इसमें हमें अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इन सभी न्यू फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ में टाटा कंपनी की यह दोनों ही अपकमिंग फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाली है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।